गाइज, मैं अगर आप लोगों से बोलूं कि आप लोग कुछ एडिटिंग में ऐसी मिस्टेक कर रहे हो जिसकी वजह से भाई आप लोग की वीडियो जो है ना वायरल नहीं हो पा रही और उल्टा आप लोगों का चैनल डाउन हो रहा है। अब गाइज देखो, बहुत से बंदे मेरे को बोलते रहते हैं कि अड्डा भाई हमारी क्वालिटी अपलोड होने के बाद खराब हो जाती है, हम लोग नॉर्मल क्वालिटी में वीडियो हमारी बन जाती है बट अब जैसे हम लोग अपलोड करते हैं उसके बाद हमारी जो वीडियो है वो डाउन हो जाती है एंड हमको खुद अच्छी नहीं लगती अपनी वीडियो, तो भाई लोग तो क्या ही पसंद करेंगे। तो देखो गाइज, ये जेन्युइनली रीज़न है, अगर आप लोग की वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है ना तो कभी भी आप लोग की वीडियो को उतना व्यूज़ नहीं आएंगे एंड जितनी रीच उसको मिलने चाहिए थी, क्योंकि इसका सिंपल प्रूफ गाइस यही है कि भाई जब आप औरों की वीडियो देखते हो लाइक हका एटीवी वगैरह, उनकी वीडियो का कॉन्सेप्ट तो अच्छा रहता है, उनका गेम प्ले भी अच्छा रहता है, बट बहुत से बंदे ऐसे हैं जो हका एटीवी से भी अच्छा गेम प्ले करते हैं बट उनकी वीडियो पर फिर भी व्यूज़ नहीं आते। एंड उनकी वीडियो पर व्यूज़ क्यों नहीं आते, उसका एक ही कारण होता है, ना उनका थंबनेल अच्छा होता है ना उनकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी होती है। थंबनेल तो तुम फिर भी पैसे देके करवा लोगे, वीडियो एडिटिंग भी आप लोग पैसे देके करवा लोगे, बट वीडियो एडिटिंग का जो खर्चा आता है ना एडिटिंग का बहुत ज़्यादा आता है। बट मैं आप लोगों को कुछ ऐसी ट्रिक्स देने वाला हूँ ना आज के इस वीडियो में, ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ भाई, अगर आप लोग उनको यूज़ करोगे ना ही आप लोगों को किसी एडिटर की ज़रूरत है ना आपको हाई एंड मोबाइल की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ चार टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा भाई। आप लोगों ने ये ना कह दिया कि भाई जमीन आसमान का अंतर आ गया हमारी क्वालिटी में, पहले हमारी क्वालिटी एकदम कचरा थी और अभी एकदम मस्त हो चुकी है। जो जैसे बहुत सारे यूट्यूबर है बड़े बड़े जिनके शॉर्ट्स वायरल होते रहते हैं, उनकी वीडियो क्वालिटी अगर आप लोग देखोगे ना, उनके शॉर्ट क्यों वायरल हो रहा है, तो उनकी वीडियो का कंटेंट अच्छा है, वो अच्छे से रिकॉर्ड कर रहे हैं, साथ में उनकी क्वालिटी आप लोग देखोगे ना इतना अच्छा लगेगा, मतलब मजा आ जाएगा। तो बेसिकली गाइज मैं आप लोगों को टोटली एक बेसिकली बेसिक एडिटिंग सिखाने वाला हूं, उसके साथ में गाइज आप लोगों को एक बढ़िया एडवांस लेवल की टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं, जिसके आप इसकी मदद से कहीं ना अपनी वीडियो क्वालिटी नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हो। लाइक आपकी वीडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा कचरा है उसके बाद आप लोग क्वालिटी एकदम सोना बन जाएगी भाई सीधा। तो गाइज उसके लिए तुमको दो ऐप की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले वो ऐप के बारे में बाद में बताऊंगा। एंड गाइज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूँगा स्पेशल वाली। पहली तो है गाइज बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर, मेरे से बहुत सारे बंदे पूछते रहते हैं कि अड्डा भाई कोई बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर बताओ। देखो भाई मैं आप लोगों को एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा, आप लोग कहीं से भी प्ले स्टोर से यूज़ कर रहे हो तो कर सकते हो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो, बट मेरी सलाह मानो तो जो इनबिल्ट मोबाइल का रिकॉर्डर है ना उसी से यूज़ करो। अगर तुम लोग उसको यूज़ करोगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई वो UI के साथ ज़्यादा कैपेबल है, वो जानता है तुम्हारे मोबाइल को कि किस तरीके से हैंडल करना है, बट बाहर जो थर्ड पार्टी स्क्रीन रिकॉर्डर होते हैं उनको नहीं पता कि भाई कहाँ पर क्या सीन है। अलग अलग मोबाइल के हिसाब से वो अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है, बट जो मोबाइल में तुम्हारे इनबिल्ट आया वो तुम्हारे मोबाइल के हिसाब से वर्क करता है, ठीक है। तो गाइस अगर आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग की क्वालिटी अच्छा करना चाहते हो तो आप लोग बेसिकली अपना मोबाइल का रिकॉर्डर यूज़ कर सकते हो, बाहर से कर रहे हो तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं रहता वैसे तो, बट अगर आप लोगों को अच्छी क्वालिटी चाहिए तो अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्ड करो, 60 FPS पर रिकॉर्डिंग करो और हाई बिट रेट पर रिकॉर्डिंग करो। एंड गाइस अभी मैं सेकंड नंबर की जो सेटिंग आप लोगों को बता रहा हूँ ना, सेकंड नंबर की टिप्स समझ लो, सेटिंग समझ लो, कुछ भी समझ लो, तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, अगर तुम लोग उसको यूज़ करके नहीं करते तो कहीं ना कहीं क्वालिटी डाउन हो जाती है। देखो भाई मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, जैसे मैं आप लोग गेम में चल रहा हूँ फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, करना क्या है। तो गाइज देखो, अगर आप लोगों के पास, मैंने बहुत सारे बंदों को देखा है उनके पास बहुत हाई एंड डिवाइस होता है, आईफोन होता है या फिर कोई अच्छा मोबाइल होता है, बट भाई वो लोग ना क्या गलती करते हैं, जैसे वो ग्राफिक्स में यहाँ पर मैं जाता हूँ, वो ना अपने ग्राफिक्स को स्टैंडर्ड रखते हैं। भाई अगर तुम्हारे पास कोई आईफोन है ना तो तुम लोग हमेशा अल्ट्रा पर रिकॉर्ड करा करो, क्योंकि उससे क्वालिटी का बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता है भाई, इसमें थोड़ा सा जो भी होता है रेजोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, वीडियो की क्वालिटी बढ़ जाती है अगर आप लोग अल्ट्रा पर रिकॉर्ड करोगे। अगर फ्री फायर मैक्स पर करोगे तो शैडो वगैरह की क्वालिटी बढ़ जाएगी और थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट अगर आप लोगों के पास लो एंड डिवाइस है ना तो आप लोग स्टैंडर्ड पर रिकॉर्ड करो। मेरे हिसाब से स्मूथ पर रिकॉर्ड करोगे ना तो उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आ पाएगी, बट आप लोग कर भी सकते हो अगर आपका लो एंड डिवाइस है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी अगर आपका लो एंड है तो ट्राई करो मैं स्टैंडर्ड पर रिकॉर्ड करूँ। स्टैंडर्ड पर करने के बाद गाइज अगर आप लोग स्टैंडर्ड पर करते हो तो फिल्टर वाले ऑप्शन नहीं मिलते, जैसे ही आप लोग अल्ट्रा पर सेलेक्ट करते हो ना यहाँ पर आप लोगों को 5 फिल्टर देखने के लिए मिल जाएंगे, यहाँ पर 4 फिल्टर देखने के लिए मिल जाएंगे। क्लासिक बेकार है, ब्राइट वाला भी मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता, विविड वाला भी उतना अच्छा नहीं लगता, सबसे बेस्ट जो है ना यहाँ पर वो है ओशियन वाला। अगर आप लोगों के मोबाइल में ओशियन वाला फिल्टर है, मतलब आप लोगों का मोबाइल अल्ट्रा तक सपोर्ट करता है, तो मेरे हिसाब से गाइज आप लोग ओशियन वाला फिल्टर लगा के फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना, फिर आप लोग खुद से टेस्ट करना कि पहले से वीडियो क्वालिटी बढ़ी है या घटी है, आप लोग खुद देख लेना, ठीक है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद ट्राई कर लेना। अब जो थर्ड नंबर की सेटिंग आती है ना गाइज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है, उसको ध्यान से सुन लेना, बहुत ज़्यादा मस्त सेटिंग है, अगर आप लोग तुम उसको यूज़ करोगे ना तो जेन्युइनली भाई तुम्हारी वीडियो क्वालिटी बढ़ेगी। बता दे तो एक वीडियो एक अच्छे एडिटर सॉफ्टवेयर का भी होना काफ़ी मायने रखता है अगर आप लोगों की अपनी वीडियो क्वालिटी बढ़ानी है। लाइक अगर आप लोग कोई अच्छा यूज़ कर रहे हो, जैसे कोई पॉपुलर जो भी होते हैं काइन मास्टर यूज़ कर रहे हो तो कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से मैं जितना यूज़ कर रहा हूँ अभी तक मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ कैपकट, क्योंकि भाई उसमें ज़्यादा फीचर हैं, ज़्यादा ईजी है वो चलाना मेरे हिसाब से, और उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन भी है, फीचर भी हैं जहाँ से आप लोग अपनी वीडियो क्वालिटी बढ़ा सकते हो एंड उसमें इफेक्ट वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं। तो भाई देखो मैं सबसे पहले कोई भी वीडियो उठा लेता हूँ फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ कि भाई कैसे आप लोगों को उसकी क्वालिटी बढ़ानी है, क्या करना है, ठीक है।
तो गाइज अभी आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पर ये वीडियो लेकर आ चुका हूँ। इसमें मैंने एक हेडशॉट मारा था। मान लो गाइज आपको आप लोगों की वीडियो भी ऐसी होती होंगी जिसमें आप लोगों ने हेडशॉट मारा, आप लोग कट कर लेना, पहले उसको अच्छे से एडिट कर लेना कैप कट में। उसके बाद तुमको क्या करना है, यहाँ पर सेलेक्ट करना है, इस पर वीडियो के टाइमलाइन पे क्लिक करना है। करने के बाद गाइज आप लोगों को थोड़ा सा जो है स्वाइप करना है, उसके बाद तुमको एडजस्ट वाला ऑप्शन मिलेगा। इसमें जाने के बाद गाइज आप लोगों को सैचुरेशन को जो है ना मिनिमम 20-25 ऑलवेज रखनी है, ये तो आप लोगों को इतना रखना है। फिर आप लोगों को शार्पन 100 कर देना है, है ना, 30 भी कर सकते हो वैसे उसको। फिर कॉन्ट्रास्ट हल्का सा बढ़ा देना, ब्राइटनेस 5 के आसपास बढ़ा देना। अब यहाँ से आपका सारा काम होता है फिनिश। अगर आप लोगों ने बहुत सारे कट लगा रखे हैं वीडियो में तो अप्लाई ऑल पर क्लिक कर देना। इससे क्या होगा, जितनी आप लोगों ने वीडियो पूरी वीडियो पे अप्लाई हो जाएंगे ये सब फिल्टर। तो अभी तुम लोग देख सकते हो अभी इसे क्वालिटी बढ़नी चालू हो गई। बट गाइज ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है भाई। पिक्चर अभी दिखाऊंगा भाई आप लोगों को कितनी जमीन आसमान की क्वालिटी का अंतर आ जाता है भाई। तुम लोग देखो अभी मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। तो गाइज देख सकते हो मैं इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लिया हूँ। उसके बाद गाइज इस पर डन पर क्लिक कर देता हूँ, इसको इस ऐप को कर देता हूँ यहाँ से बंद। एंड गाइज अभी मैं चलता हूँ ना यहाँ पर एक ऐप के में। तो देखो गाइज अब बहुत सारे बंदे सोच रहे होंगे कि ना हमको कैपकट मिलेगा ना ये इफ़ीको ऐप मिलेगा, ठीक है। तो गाइज अगर आप लोगों को ये ऐप नहीं मिल रहा है ना तो आप लोग सिंपल सा मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों ऐप के जो है प्रो वर्जन आप लोगों को मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इजीली डाउनलोड कर पाओगे एक क्लिक के अंदर। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, क्लिक करो डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल में पहुंच जाओ। वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे म्यूजिक भी मिल जाएंगे, फ्री म्यूजिक जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है फ्री फायर के लिए, बहुत सारे साउंड इफेक्ट, बहुत सारे कलर ग्रेडिंग वाले ऐप्स, या फिर आप लोग इमोजी पैक, ग्लो आइकन पैक, मीम पैक, ये सब आप लोगों को सब चीज़ वहीं पर मिल जाएंगी। बहुत सारी हेल्प करता हूँ, बहुत सारे क्रिएटर का मैं हेल्प करता हूँ, है ना। उसके बाद गाइज जैसे तुम लोग यहाँ पर इफ़ीको ऐप डाउनलोड कर लोगे, इसका सबसे बड़ा रोल है। अब देखो गाइज मैं इसको ओपन करता हूँ, अभी देखना तुम जमीन आसमान का अंतर देखना और मैजिक देखना। अब मैं वही वीडियो को यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ, ठीक है। अब गाइज मैं आप लोगों को जमीन आसमान का अंतर दिखाता हूँ, ठीक है। इसको पोज कर लेते हैं। अब गाइज मैं यहाँ पर जाता हूँ सीधा एडजस्ट वाले सेक्शन में, लास्ट वाले में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जाने के बाद में यहाँ पर तुमको दो ऑप्शन मिलेंगे, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर वाले को फुल कर देना है। एंड अभी से गाइज देखो तुम लोग क्वालिटी कितनी बढ़ चुकी है, ठीक है। उसके बाद शार्पन में जाना, इसको भी 10-15 बढ़ा देना, मेरे हिसाब से अच्छी लग रही है तो तुम बढ़ा देना, ठीक है। अब गाइज मैं तुमको दिखाता हूँ, अभी देखो गाइज क्वालिटी देखो गाइज तुम लोग एक बार क्वालिटी देखो यार, कहाँ पहुँचा दी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में। इसकी क्वालिटी एकदम भद्दी सी थी, तुम लोगों ने वहाँ पर देखा होगा, बट अगर आप लोग अभी देखोगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी तो मैं इसकी क्वालिटी और बढ़ाने वाला हूँ, और बढ़ा के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइज और बढ़ाने के लिए सिंपल सा आप लोगों को इसको सेव कर लेना, दो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये सेव हो जाएगी। होने के बाद गाइज इस तरीके से आ जाएगा, इसे आपको बंद करना है, वापस से इसे आपको चालू करना है। एंड जो तुमने यहाँ से एक्सपोर्ट करी थी ना वीडियो, उसको वापस से लेकर आ जाना है, जो पहले हमने एडिट करी थी उसको, ठीक है। अब इसको क्या करना है, दोबारा से एडजस्ट में जाना है, स्ट्रक्चर को दोबारा से बढ़ा देना है, ठीक है। तो गाइज अब देखो गाइज वीडियो क्वालिटी कितनी बढ़ चुकी है, मैं आप लोगों को प्ले करके भी ये वीडियो जो है दिखा देता हूँ, ठीक है। अब गाइज यहाँ पर मैंने कर लिया है एक्सपोर्ट इसको, अब बैक चलते हैं, ये ऐड आ जाते हैं इस पर। तो गाइज ऐड मैंने कट कर लिया है, बट अभी देखो गाइज तुम लोग क्वालिटी देखो गाइज कितनी ज़्यादा खतरनाक क्वालिटी वीडियो की हो चुकी है, तुम खुद देखो ना भाई ये देखो। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें लोगो आ जाता है इसका, इफ़ीको का। आप लोग इसको जूम करके हटा सकते हो, इसका मोड ईपी के आप लोग यूज़ कर सकते हो, जो कि आप लोगों को क्रोम पे मिल जाएगा या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अभी के लिए मैं इसका जो है नॉर्मल एपी के यूज़ कर रहा हूँ, बट मैं टेलीग्राम पर डालूंगा, वो मोड डाल दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो भाई अगर आप लोग देख सकते हो, खुद से देख सकते हो कितनी अच्छी क्वालिटी में इस वीडियो कर चुका हूँ। तो गाइज ये लास्ट स्टेप था, फाइनल स्टेप था, जहाँ से आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं नहीं बोलता चैनल को सब्सक्राइब करो, आप लोग यूज़ करो फिर आके सब्सक्राइब करना, और मेरे को इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है। चलो गाइस मैं मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।